Hello, good morning student. How are you all? Here I am Nushaba Parveen. Today my topic is related with moral value. The virtues of life, the skills of our life, the quality of our personality, the attitude, the behavior, the manners and with the discipline. Today I am telling you a story, a small and a beautiful story about a boy whose name is Arun. The story is about the little pencil. अरुण नाम का एक लड़का होता है, जब वो अपने स्कूल से आ रहा होता है तो वो देखता है उसकी जो पेंसिल है लिखने वाली वो बहुत स्मॉल हो गई है, तो वो क्या करता है, उस पेंसिल को थ्रो कर देता है और वो सोचता है उसके दादाजी उसे इवनिंग में न्यू पेंसिल दिला देंगे। जब वो होम पर होता है इवनिंग में, वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी प्लीज़ प्रोवाइड मी न्यू पेंसिल। तो उसके दादाजी बोलते हैं, बेटा आपके पास तो पेंसिल थी, वो कहाँ गई? कि मैंने उसको थ्रो कर दिया। व्हाई? बिकॉज वो जो थी बहुत स्मॉल हो गई थी। तो उनके दादाजी कहते हैं, नहीं आपको पेंसिल नहीं मिलेगी, आप जाओ जहाँ पर आपने थ्रो की थी सर्च कर कर लाओ। वो कहता है बहुत रात हो गई है, अब कैसे मिलेगी? उनके दादाजी उनको एक टॉर्च देते हैं, वो कहते हैं जाओ टॉर्च से जाकर सर्च करो। बहुत देर सर्च करने के बाद उस बच्चे को वो पेंसिल मिल जाती है। जब वो घर पर आता है तो उसके दादाजी उसे प्यार से अपने पास बिठाते हैं और वो उसको एक बात समझाते हैं एक कोटेशन के रूप में, सुनिए आप ध्यान से। द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस डीड, यानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, वो हमें पर्याप्त मात्रा में हम संतुष्ट हो सकें हर व्यक्ति को हर चीज़ प्रदान करती है। बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति के लालच के लिए चीज़ें प्रदान नहीं करती। उनके कहने का मतलब था कि एक छोटी से छोटी चीज़ की भी बहुत अहमियत होती है। एक छोटी सी चीज़ जो हमारे लिए यूज़लेस है, किसी दूसरे के लिए हो सकता है यूज़फुल हो। हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं, हमारे पास न्यू आ जाते हैं, तो हमें उन्हें फेंकने के बजाय, डिस्ट्रॉय करने के बजाय, हमें उन्हें दे देना चाहिए जिनको उनकी ज़रूरत है, नीड है। हमारा खाना हम सोचते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम उसको फेंक देते हैं, यूज़लेस समझते हैं। और बहुत सारे लोग भूखे ही सो जाते हैं। क्या हम ये नहीं सोचते कि ये खाना उन लोगों के काम आना चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत है? एक छोटी सी पेंसिल को बनाने के लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसीजर काम करता है। लकड़ी को काटा जाता है, उसके पास बहुत सारे ग्रेट एफर्ट होते हैं, लेबर्स होती है, तब जाकर एक पेंसिल तैयार होती है। और हम उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझते, हम सोचते हैं कि एक छोटी सी पेंसिल है। क्या आप जानते हैं वो छोटा सा बच्चा कौन था? ही वॉज द अरुण गांधी, द ग्रैंड सन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज द ग्रेट मैन, ही वॉज द सिंपल लिविंग एंड द हाई थिंकिंग मैन। और उन्हीं के ये महान विचार हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल।